मैं श्री रेणु सिंघल आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल लॉ वॉलेट पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अब आप 2018-19 की GSTR9 फाइल कर सकते हैं। 2018-19 की GSTR9 फाइल करने में नंबर ऑफ चैलेंजेस आ रहे थे। कुछ कॉमन इशू थे, मींस हर किसी के पास थे, हर किसी को फेस कर रहा था, हर कोई फेस कर रहा था, और कुछ पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे थे। सबसे पहला कॉमन इशू था टेबल 8। टेबल नंबर 8 में GSTR 2A की ऑटोफिल फिगर आती है, जो कि एडिटेबल में नहीं होती। ये फिगर सभी पर्सन के पोर्टल पर ब्लैंक थी, मींस बिल्कुल ब्लैंक प्लेस था। हम वहां पर अपने आप भी फिगर नहीं डाल सकते थे, क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, वो स्पेस एडिटेबल नहीं है। अब ये फिगर GSTR मींस 2A की ये फिगर GSTR 9 की टेबल 8 में ऑटो पॉपुलेटेड हो रही है। इसके लिए हम लॉगिन कर देखते हैं। सभी इश्यूज को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, और कुछ चैलेंजेस अभी भी पेंडिंग है, कुछ इश्यूज अभी भी रहते हैं, वो और वो क्या है उसे भी देखेंगे हम। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल लॉ वॉलेट सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए। तो लॉग इन करते हैं। सबसे पहला चेंज आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 18-19 की अब ड्यू डेट पोर्टल पे भी करेक्ट होके 30 जून 2020 हो चुकी है। अब नेक्स्ट टेबल 8, आप टेबल 8 में देखेंगे, टेबल 8 में अब फिगर ऑटो पॉपुलेटेड होकर आ रही है, IGST, CGST, SGST सभी। कुछ दिनों पहले तक टेबल 8 का कॉलम ए में सारी फिगर्स ब्लैंक थी, कोई भी फिगर ऑटो पॉपुलेटेड होकर नहीं आ रही थी, कुछ भी ऑटो फिल नहीं था। नेक्स्ट जो चैलेंजेस थे वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे थे। लाइक टेबल 4 में हमारे पास आता है जिसपे हमने GST पे किया, किसी की B2B की सप्लाई करेक्ट नहीं आ रही थी, किसी की B2C की सप्लाई करेक्ट नहीं आ रही थी। दो वो एडिटेबल फिगर थी, पर वो हमारे जो GSTR 1 और GSTR 3 भी है, इन सबसे कोरिलेट होकर फिगर टेबल 4 और 5 हमारी बनकर आती है GSTR 1 से। तो GSTR 1 की जो समरी थी वो हमारे यहाँ से मैच नहीं कर रही थी, कभी B2B की डिफरेंस था, कहीं पे B2C का डिफरेंस था। सिमिलरली किसी के अगर एग्जामिनल रेटेड सप्लाई थी वो GSTR 1 में थी तो यहाँ नहीं आ रही थी इस तरह की, या फिर फिगर भी डिफरेंट थी। सिमिलरली टेबल 6 जो है वो हमारी ऑटो पॉपुलेटेड होकर आती है टेबल 3B से, जो कि हमारे पास हम जिसके अंदर बायफिकेशन देते हैं कि कितना हमारे पास ITC हमने ड्यूरिंग द ईयर क्लेम किया है, उसकी सारी डिटेल। अब ये सारी फिगर्स एक्यूरेट आ रही हैं, जो भी आपने GSTR 1 और GSTR 3B से यहाँ पर फिल की है उसी फिगर के अकॉर्डिंगली अब आपके GSTR 9 की सारी फिगर उसी के अकॉर्डिंगली बनकर आ रही है। सिमिलरली आपके डिटेल ऑफ टैक्सेस में भी नंबर ऑफ SSC को डाउट थे, उनकी फिगर डिफरेंट आ रही थी या फिर कुछ लोगों का ब्लैंक भी आ रहा था, तो ये फिगर्स भी अब सारी की और सारी ऑटो फिल होकर आ रही है। और बाकी फिगर्स तो आपको जैसे पता है पहले भी हमें फिल करनी थी या फिर वो टेबल ऑप्शनल दी गई थी। तो ये थे कुछ कॉमन इश्यूज और कुछ जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे थे उनके इश्यूज, जो कि अब डिपार्टमेंट ने रिजोल्व कर दिए हैं। अब आपके GSTR 9 रेडी है कि आप 2018-19 की अपनी GSTR 9 फाइल कर सकते हैं। 2018-19 की GSTR 9 को करेक्टली कैसे फाइल करना है, इसके लिए हम नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड करेंगे, क्योंकि कुछ अभी भी चैलेंजेस पेंडिंग है जिनको रिजोल्व नहीं किया गया। जैसे कि अब GSTR 9 जो 2018-19 की है वो 17-18 से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि 17-18 की जो GSTR 9 है 17-18 फर्स्ट ईयर था, पर 18-19 सेकेंड ईयर है। अब सेकेंड ईयर होने से क्या रीजन हुआ इसमें डिफरेंस होने का? क्योंकि हमें पता है कुछ फिगर जो 2018-19 में है वो 17-18 से भी बिलोंग करती है, और कुछ फिगर 19-20 में भी चली गई है। तो इस रीजन से अब हमें 18-19 की GSTR 9 में सिर्फ 19-20 के फिगर्स का इम्पैक्ट नहीं लेना, बल्कि प्रीसीडिंग ईयर्स की भी, यानी कि 17-18 की फिगर्स का भी इम्पैक्ट लेना है। यहाँ से हमारे पास डिपार्टमेंट को क्लैरिटी चाहिए हमें कि किस तरह से हम 17-18 की फिगर्स को शो करेंगे, अदरवाइज स्टिल कोई क्लैरिटी नहीं आती है तो उन फिगर्स को आप कैसे मैनेज करेंगे। इसके लिए पहले भी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, स्टिल अब हम सीरीज में अपलोड करेंगे। सबसे पहले कि GSTR 9 को फिर से सिंपल वे में अगर हमें फाइल करने सब कुछ ठीक है तो कैसे होगा, और इसी तरह से आउटपुट सप्लाई में आपका 17-18, 18-19 और 19-20 का कैसे इम्पैक्ट लेना है उसे डिस्कस करेंगे, सिमिलरली ITC से रिलेटेड।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।